तो दोस्तों फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू बैंड रिव्यू और ये स्पॉइलर वीडियो है क्वांटमिया। तो दोस्तों अब तो मैंने सोच ही लिया है कि मार्वल की कोई भी ऐसी मूवी, कोई भी मूवी आएगी नेक्स्ट, उसके लिए कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। कॉस नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है, बट हाँ इस बार मार्वल ने बहुत ज़्यादा काट दिया, हाई एक्शन एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे क्योंकि जब वो टूटती है ना इस मूवी से, इसलिए भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बनती है क्योंकि ये फेज नाइन की फर्स्ट मूवी है। इस मूवी को ना बहुत कुछ सेटअप करना था फ्यूचर के लिए, कैंग को सेटअप करना था जो कि मेन है, मल्टीवर्स सागा को सेटअप करना था। चलो शिकायतें तो होती रहेगी मार्वल से, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और मूवी में आते हैं तो मूवी होती है स्टार्ट एक फ्लैशबैक से, जब हमारी जनरेट जो होती है वो क्वांटम रियल में होती है और वहाँ पर से एक झलक दिखाते हैं कैंग की, उसके आगे सीधा फिर मूवी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट में आ जाती है, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले स्कॉटलैंड होते हैं जो एंटमैन, एंटमैन और वो अपनी जो हवाबाजी दिखाता है कि मैंने क्या करा, दुनिया को बचाया बच्चों के साथ का, और उसने इसी चीज़ पे बुक लिख दी है। और फिर पता चलता है जो उसकी बेटी होती है कैसी, वो जेल में जाती है, तो जैसा बाप वैसे बेटी, बट वो भी दूसरों की मदद करने के लिए जेल। और सरप्राइजिंग बात यह है कि लोग अब भी उसे नहीं जानते कि एंटमैन उसको अभी भी स्पाइडरमैन से हो जाए। कैसी भी हमारी लेडी और स्टार बन जाती है, एक मशीन बना देती है किस चीज़ की, क्वांटम रियल्स। हाँ, क्वांटम रियल्स के मैप और लोकेशन को जानने की, कि वहाँ का वर्ल्ड कैसा है, वहाँ का इंटरव्यू, वहाँ पे कुछ सिग्नल्स भेजने के लिए वगैरह। फिर उसी टाइम जैनेट जो होती है हमारी, खुद परेशान भी रहती है और मशीन को बंद कर देती है क्योंकि उसे पता होता है इसके बारे में क्या है और वो डरती है इस चीज़ से, वो रोकने की बहुत कोशिश भी करती है। बट उसके बाद एक लाइट आती है और सारे के सारे क्वांटम रियल्स में। और इसमें एक और चीज़ है कि हमारे ग्रैंडपा की हैंक की जो हमारी एक्सपेरिमेंट वाली हैंड्स होती है वो भी उसमें से निकलती है। इसका एक लास्ट मिनट भी साथ है, इसका पहले रेफरेंस है, पहले रेफरेंस है इसका। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप में बन जाते हैं, एक एंटमैन और उसकी बेटी कैसी, और दूसरा जो है हमारे बूढ़े पापा बूढ़ी मम्मी और उम्मीद होप, तो ये तीनों अलग। फिर क्या एंट्री होती है हमारे कैंग कॉन्करर की, और बस जब वो बंदा स्क्रीन पे आता है ना तो पब्लिक की सारी अटेंशन ले लेता है। मतलब वो इस मूवी का एक फेस है ऐसा, मतलब इस मूवी का नाम एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया छोड़ के आप कैंग द क्वांटमेनिया रख सकते हो, क्योंकि ये मूवी ऑलमोस्ट उसका जो ऑफकोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो गए थे थिएटर में सिर्फ उस पर्टिकुलर उस बंदे के लिए गए थे, देखा जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं एंटमैन की जो जितनी भी सीरीज रही है इसकी वो सीरियस मूवी रहती है, मतलब वो एक एंटरटेनिंग मूवी रहती है जो कि कॉमेडी मूवी होती है। हाँ, कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट कैंग को देख के ऐसा लगा था कि शायद उसमें एंटमैन को हम खो देंगे, कैंग की पावर और ज़्यादा दिखाई जाएंगी, वो कितना क्रूर है, कैसा कॉन्करर है वो, बट इसमें ऐसा कुछ खास दिखाया ही नहीं है ना। उसके पास उसके पास को बिल्कुल छुपाया गया। सबसे बड़ा मुझे वीकनेस लगी इस मूवी की कि आप सेटअप भी करना चाह रहे हो करेक्टर्स को और आप उनका पास नहीं बता रहे। मुझे पता है कि आप इसको आगे के लिए रख रहे हो, बट मूवी में फिर बंदे को रखने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा ट्रेलर में देख के ऐसा लगा था कि इस मूवी में वीएफएक्स और सीजीआई बहुत ज़्यादा वाव हो गई, कि एक क्वांटम रियल्स एक अलग ही दुनिया है, मतलब हमें किसी को कुछ नहीं पता तो हमको लगा कुछ अलग दिखाएंगे, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं था जितना ट्रेलर के अंदर था, उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ ज्यादा खास लगा भी। फाइटिंग सीन भी ज्यादा कुछ खास नहीं थे, मतलब से कहते हैं नॉर्मल फाइट, सिर्फ इसे कहते हैं ना मूवी एंड तक हाइप बना के रखती है कि हमें भी ऐसा लगा कि यार अब कोई अच्छी फाइट होगी, अब कैंग कुछ ऐसा करेगा कि इसकी पावर दिखेंगी, बट नहीं, वो तो बस अपनी टेक्नोलॉजी से खेल रहा था। और टेक्नोलॉजी भी हाई दिखाई है, बट फिर भी उसका कुछ बेस नहीं पता चला था, मतलब कि बेसिकली मतलब इतनी पावर है वो किसी चुटकी मार के किसी को मार सकता है, बट फिर भी हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है, मतलब दिल दुखी बात है ना ये तो है। मतलब जब किसी के बारे में कैंग की बात करें कि वो कैंग को कैसे जानती है और वो डर क्यों रही थी इस चीज़ से, कि जेनेटिक होती है जिसने कैंग को वहाँ से आज़ाद किया। एक्चुअली कैंग इस क्वांटम रियल में फंस जाता है क्योंकि उसने टाइम लाइन के साथ छेड़खानी करी होती है, तो जो रूलर्स होते हैं वो उसे वहाँ कैद कर देते हैं, बट वहाँ से बाहर जाने के लिए उसको कुछ बनाना होता है आर्क, वो आर्क वो बता देती है टाइम मशीन के लिए। हाँ, वो आर्क वो बना देती है, बट आग को बनाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके इरादे क्या है, तो वो उस आग को बड़ा कर देते हैं काफी, ताकि वो उसको यूज ना कर और वो वही फंसा रहता है। बट उस फंसे रहने के साथ ही
वो वहाँ पे अपना किंगडम बना देता है, एक एम्पायर खड़ा कर देता है, जैसे केजीएफ में, जैसे केजीएफ में होता है। दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर जो था जो बढ़िया था वो था एक मोडोक, और मोडोक को उन्होंने इस तरीके से उसमें लाया, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्वल वालों का जो इम्प्रोवाइजेशन है इतना अलग है कि मतलब फर्स्ट पार्ट के जो विलन था उसको तीसरे पार्ट में ऐसे बनाया, वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ड्रैग मोडोक बन सकता है, और उसको तो ऐसा बनाया। और मुझे वैसे कॉमिक का ज्ञान तो नहीं पता इस बारे में कि मोडोक एक्चुअल में कौन है, ड्रैग है, पर फिर भी वही मशीन थी, बंदा नहीं था, इतना बड़े पड़ गया कोई बंदा नहीं था, एक मशीन थी बनाया गया था, पहले उसको सिर्फ कंप्यूटरिंग के लिए बनाया था, फिर बाद में उसको अपडेट करके किलिंग के लिए बना दिया था। बट ये है कि मेरे पास लगता है कि ड्रैग को एक बेसिक सा उसका एंड करने के लिए, उसको एक सेटिस्फाई करने के लिए कैरेक्टर को, इसलिए उसको इस पर जोड़ा है, बट उन्होंने इस चक्कर में एक बढ़िया कैरेक्टर खराब कर दिया, क्योंकि नो डाउट उसको मुझे लगता है शायद ये मोडोक को उसके अंदर खत्म ही कर दिया एंड में, उसको उसको बराबर ही मार ही दिया एक तरीके से, तो मोडोक भी बहुत अच्छा करेक्टर था, पता नहीं उसे क्यों नहीं अभी खत्म कर दिया, कभी कभी मान लो ऐसी चीज़ें करता है जैसे उसने हल्की बजा रखी है। तो बेसिकली जो मूवी में सोचा था कि हमने क्या पता कि इसके अंदर एंटमैन को कुछ मतलब उसमें एंटमैन का भी कुछ स्वार्थ होगा इस मूवी के अंदर कि उसको कुछ देगा कैंग इसके बदले में उससे कुछ लेना चाहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कैंग को अपना आर्क छोटा करवाना था, इसलिए उसने कैसी को कैद कर दिया था, और जो वहाँ के लोग थे वो कैंग से इतना डरते थे कि वो उनको कभी भी खत्म कर सकता था, तो बस ये भी एक वो बोलते क्रांति क्रांति मूवी थी कि हमारा एंटमैन आया और बचाएगा, एंटमैन आया वो उनको आजाद करेगा, और आखिरी में आजाद कराया किन्होंने, चीटियों ने। पहली बात तो मुझे मूवी का प्लॉट इतनी अजीब लगा क्योंकि यार एंटमैन उतना पावरफुल एक्टर नहीं देखा जाए, तो कैंग को हम एक विलन मान रहे हैं जो थैनोस के मुकाबले का उससे भी बड़ा मान रहे हैं, आपको याद होगा देखी हो तो एंड में जब वो बम ब्लास्ट होता है तो उसके बाद दिखाते हैं जो बोलता है कि अब शुरुआत होती है देखना, वो हाइप बना कर रखना, इवन मैं कहूंगा इससे बढ़िया तो हमारा अल्ट्रॉन था, मतलब ये कि इतनी हाइप वो मतलब एक्टर तो पूरा दिखाई दिया, अब हमको ऐसा लग रहा है कि पावर तो दे दी उसको बट वो उस पावर को उस तरीके से यूज नहीं आया तो कैसे होगा, कैसे होगा। बाकी अब बात करें मूवी की तो अब एंड पे आ चुके हैं, क्लाइमेक्स में बस ऐसा ट्विस्ट आता है कि चीटी आ जाती है, हाई टेक चीटी आ जाती है और हमारा विलन जो है उसको चीटियों से बच जाता है, उसने दूसरी बुक भी लिख दी है जिसमें उसने ये बताया कि उसने कैंटर में कैसे बचाया, ठीक है, उसके ऊपर भी अपनी आखिरी में तो ये बोलता है कि कैंप में जाते जाते ये बोला था कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो उसके बाद और भी बड़ी मुसीबत आएगी, और मुसीबत क्या होती है वो उसके एक और पोस्ट के सीन में दिखाते हैं जिसके अंदर हमें कैंप के वेरिएंट दिखते हैं हजारों करोड़ अभी इतने सारे कि अब क्या बना, मतलब एक कैंप जब क्वांटम जम्प को इतना बर्बाद कर सकता है उतने सारे कैंप क्या करेंगे, मतलब मैं समझ रहा हूँ आई नो कि आने वाली जो मूवी हो सकती है विलन को बहुत आपको दिखाया जाएगा और आई वो भी अच्छी, आई नो सीक्रेट वॉर और कैंडर्स की बहुत अच्छी मूवी हो सकती है, बट अगर आपको एंडमैन मूवी बनानी है ना तो इस करेक्टर को थोड़ा दूर रखते हैं कि झलक दिखाते हैं इसकी इसकी पावर वो हाइप नहीं होती इसकी, इस मूवी में ऐसा लग रहा है कि यार तो फेस इसका नहीं लगते हैं, या फिर ये हो सकता है कि हाँ अगर इसको एक दूसरे तरीके से देखा जाए कि क्योंकि कैंग के बहुत सारे वेरियंट्स हैं तो क्या पता उसका एक छोटा वेरिएंट दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो कि एक कमजोर वेरिएंट है, हाँ जो मेन विलन होगा उसको शायद वो बचा के रख रहे हैं कैंग के सीक्रेट वॉर से, तो ये एक क्या कहते हैं ऐसे गुड पॉइंट भी हो सकता है मार्वल का जो हमने नहीं सोचा, बट अगर मूवी का रिव्यू दूँ मैं तो हाँ नो डाउट मैं ऐसा सोच सकता मूवी इतनी शॉर्ट ऑफ बोरिंग हो जाती है, मतलब कहीं काफ़ी टाइम बोला था जब तक कैंग नहीं आता तब तक हम बोरिंग होते हैं, जब कैंग आता है तो कुछ अब करते हैं इस वीडियो को रैप, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बाकी हमारे जो वीडियो उसको भी देखिए। और आजकल थोड़े व्यूज कम आ रहे हैं, हमारी रीच गिर रही है, डोंट नो उसके पीछे कारण क्या है, बट हाँ एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ा बीच में बिजी थे तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते रेगुलर, से अप्स एंड डाउन आ गए हमारे साथ और आपको क्वालिटी में भी थोड़ी सी फर्क दिख रहा होगा क्योंकि पहले हम थोड़ा कैमरे से शूट करते थे, अब उससे करते हैं, तो बस वही है, थोड़ा सपोर्ट करो बाकी।